क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं? आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और काम रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो भी आप फिक्र मत कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप भी एक पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ग्रीटिंग्स दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल बुक के बारे में, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसके ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट पेल। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग और सोच को पॉजिटिव बनाकर अपनी लाइफ में खुशी और सफलता पा सकते हैं। बुक के एक चैप्टर में बताया गया है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने गोल्स को विजुअलाइज करना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे सामने जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। हम उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें ओवरकम करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम हर बात में नेगेटिव सोचते हैं और अपने आप को कमज़ोर और नाकाबिल समझते हैं। ऐसे में हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इस लेसन का एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक थे। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 10,000 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो खुद पर विश्वास रखते थे कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना सकते हैं, और आखिर में उन्होंने अपना लक्ष्य अचीव किया और दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट दी। तो दोस्तों, अगर हम खुद पर विश्वास करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बुक में बताया गया है कि हमारी दुनिया सिर्फ वो है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं। हमारे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बल्कि ये है कि हम उन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन उनका उस सिचुएशन पर नज़रिया अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति उस सिचुएशन को एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी समझता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस सिचुएशन को एक प्रॉब्लम या थ्रेट समझ सकता है। इसलिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में कुछ सीखने या सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। हमें अपने आप और अपनी एबिलिटीज को पॉजिटिव रोशनी में देखना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हमारे एटीट्यूड में एक बदलाव आता है, जो हमारी जिंदगी में भी असर दिखाता है। इस लेसन का एक एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। अब्राहम लिंकन ने अपनी जिंदगी में बहुत से फेलियर्स और ट्रेजेडीज का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा। वो हर फेलियर को एक मौका समझते थे और हर बार फिर से ट्राई करते थे। वो अपने विजन को कभी नहीं भूले और वो अमेरिका को एक यूनाइटेड और फ्री नेशन बनाना चाहते थे। वो अपने मिशन पर फोकस्ड रहते और वो पॉजिटिव थिंकिंग से हर चैलेंज का सामना करते थे, और आखिर में उन्होंने अपना लक्ष्य अचीव किया और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी को एबॉलिश किया और सिविल वॉर को एंड किया। तो दोस्तों, अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हम अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सफलता चाहते हैं तो पहले हमको सफलता की कल्पना करनी चाहिए। अक्सर हम लोग ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग को स्ट्रेस दे देते हैं। हम लोग हर चीज़ का टेंशन लेते हैं, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो या ना हो। हम लोग पास्ट या फ्यूचर के बारे में फालतू में फिक्र करते रहते हैं और प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। इसलिए हमें अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी से भर देना चाहिए। हमें मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे दिमाग और शरीर को शांत करते हैं। हमें अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहना चाहिए, जो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से प्यार और सपोर्ट लेना चाहिए, जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर एक शक्ति है जो हर हालत में हमारा साथ देती है, जो हमें हर मुश्किल से निकालती है, जो हमें हर काम में मदद करती है। हमें उस शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए, उस शक्ति से गाइडेंस मांगनी चाहिए, उस शक्ति से शुक्राना करनी चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव पावर आ जाती है
जो हमें हर काम में सफल बनाती है। इस लेसन का एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला, जिन्हें मदिबा का टाइटल भी मिला था। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी में बहुत से स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस किए थे। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ नॉन वायलेंस के साथ जेल में रह के साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी दिलाने के लिए लड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वायलेंस या हेट्रेड का सहारा नहीं लिया। वो हर सिचुएशन में पीस और लव का पाठ पढ़ाते थे। वो हर सिचुएशन में भगवान पर भरोसा रखते थे। वो हर रोज अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाते थे। वो हर रोज भगवान से बात करते थे, उनसे गाइडेंस मांगते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। तो दोस्तों, अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम सफलता पा सकते हैं। हम अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। हम अपने देश और दुनिया को बदल सकते हैं। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो पहले हमें खुश होने की कल्पना करनी चाहिए। अक्सर हम लोग ज्यादा मांगते रहते हैं और जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र नहीं करते। हम लोग अपनी लाइफ में जो भी अच्छा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं और जो भी बुरा होता है उसको मैग्नीफाई करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस करते, बल्कि कंप्लेन और क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें हर रोज अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। हमें हर रोज अपने फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, वेल्थ, स्किल्स, टैलेंट्स, इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें हर रोज अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें हर रोज अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आती है। हमारी लाइफ से नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये चले जाते हैं और हमारी लाइफ में हार्मनी, पीस, लव और सेटिस्फेक्शन आता है। इसका एक एग्जांपल है निक वुआजिज, जो एक ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर है। निक ने अपनी लाइफ में बहुत सी हार्डशिप्स का सामना किया है। वो टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए, जिसमें उनके कोई भी लिम्स नहीं थे। वो अपने बचपन में बहुत सी बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए हैं। वो अपने आप को वर्थलेस और होपलेस समझते थे और उसकी वजह से उन्होंने 10 साल की उम्र में सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन उसके बाद निक ने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा। वो हर चैलेंज को एक इंस्पिरेशन समझते थे और हर बार फिर से उठकर चलते। वो अपनी लाइफ को एक गिफ्ट समझते और उसके लिए थैंकफुल रहते थे। वो अपनी लाइफ में जो भी अच्छा था उसको सेलिब्रेट करते और लाइफ में जो भी बुरा हुआ उसको ओवरकम करते। लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली उसको ग्रैब किया और आज निक एक सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान है। वो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। वो अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय करते हैं। वो अपनी जिंदगी का हर पल थैंक यू बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर छुपी एक स्पेशल पावर है पॉजिटिव थिंकिंग की। इस शक्ति से हम कहानी खुद लिख सकते हैं अपनी जिंदगी की। तो दोस्तों, ये थे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के लेसन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स ट्रैवल, लेट्स रीड।